उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में दिवाली त्योहार के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस और दमकल विभाग की टीम के साथ पटाखा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की, जिसमें प्रशासन को एक प्रसिद्ध पटाखा व्यापारी के घर पर भारी मात्रा में अवैध रूप से रखे पटाखों का जखीरा बरामद किया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने व्यापारी के घर पर अवैध रूप से रखे और प्रतिबंधित पटाखे मिलने के बाद उनके जब्तीकरण की कार्रवाई की। एक पटाखा व्यापारी के यहाँ छापेमारी की सूचना जैसे ही शहर में लगी, पूरे शहर भर के पटाखा व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति रही। प्रशासनिक टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी की, लेकिन टीम को एक स्थान पर ही अवैध रूप से रखे पटाखे मिले, इसमें पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, आज पटाखों पे छापेमारी हुई है, क्या है? आज देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे आज संयुक्त टीम द्वारा जितने भी पटाखे की दुकान यहाँ पे लाइसेंस धारी हैं उनको आज संयुक्त टीम द्वारा जाँच की जा रही है, जिसमें फायर डिपार्टमेंट के भी हैं और CO मंडी हमारे साथ हैं। उसी क्रम में आज हम लोगों ने मंडी रोड पे सचिन पटाखे वालों की दुकान चेक की, तो यहाँ पे पाया ये गया कि जो लाइसेंस में इनका प्रमाइसेस दिया गया है परिसर, उससे बाहर इन्होंने एक अलग वहाँ पे पटाखे स्टोर किए थे, जिसे जिस तलाशी लेने पे वो प्राप्त हुए, जिनको जब्त करते हुए अग्रिम और विधिक कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देशित कर दिया गया। कितनी कीमत होगी? कीमत अब कैसे, ऐसे तो कीमत मैं बता नहीं पाऊंगा। कितना पटाखा है सर? पटाखा होगा लगभग 10 किलो के आसपास। और कम या क्या क्या पाई जाएगी? और तो रिहायशी इलाके में है, लेकिन इनका इस समय लाइसेंस रिन्यूअल है और जो लाइसेंस है इनके पास, बाकी और जो फायर सेफ्टी का इनका जो इंस्ट्रूमेंट रखना चाहिए इनके पास है और सब मानक पूरे हैं। गैस सिलेंडर, वो खाली सिलेंडर था, तो उसी को जब्त किया गया है कि वो इनके प्रमाइसिस से अलग है। प्रतिबंधित पटाखे उसमें प्राप्त किए गए हैं, चूँकि ये NCR का क्षेत्र है, यहाँ ग्रीन पटाखे ही अलाउ हैं। उसके अतिरिक्त इन्होंने ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त भी यहाँ पे बहुत से ढेर सारे पटाखे मिले हैं जिनको जब्त किया जा चुका है। सर, आज पटाखों पे छापेमारी हुई है, क्या है? आज देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे आज संयुक्त टीम द्वारा जितने भी पटाखे की दुकान यहाँ पे लाइसेंस धारी हैं उनको आज संयुक्त टीम द्वारा जांच की जा रही है, जिसमें फायर डिपार्टमेंट के भी हैं और CO मंडी हमारे साथ हैं। उसी क्रम में आज हम लोगों ने मंडी रोड पे सचिन पटाखे वालों की दुकान चेक की, तो यहाँ पे पाया ये गया कि जो लाइसेंस में इनका प्रमाइसिस दिया गया है परिसर, उससे बाहर इन्होंने एक अलग वहाँ पे पटाखे स्टोर किए थे, जिसे जिस तलाशी लेने पे वो प्राप्त हुए, जिनको जब्त करते हुए अग्रिम और विधिक कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देशित कर दिया गया। कितनी कीमत होगी? कीमत अब कैसे, ऐसे तो कीमत मैं बता नहीं पाऊंगा। कितना पटाखा है सर? पटाखा होगा लगभग 10 किलो के आसपास। और कम या क्या क्या पाई जाएगी? और तो रिहायशी इलाके में है, लेकिन इनका इस समय लाइसेंस रिन्यूअल है और जो लाइसेंस है इनके पास, बाकी और जो फायर सेफ्टी का इनका जो इंस्ट्रूमेंट रखना चाहिए इनके पास है और सब मानक पूरे हैं। गैस सिलेंडर, वो खाली सिलेंडर था, तो उसी को जब्त किया गया है कि वो इनके प्रमाइसिस से अलग है। प्रतिबंधित पटाखे उसमें प्राप्त किए गए हैं, चूँकि ये NCR का क्षेत्र है, यहाँ ग्रीन पटाखे ही अलाउ हैं। उसके अतिरिक्त इन्होंने ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त भी यहाँ पे बहुत से ढेर सारे पटाखे मिले हैं जिनको जब्त किया जा चुका है।